नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जिस तरह से कोरोना को लेकर के पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, निश्चित तौर पर एक आम आदमी के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर कोरोना से कैसे बचें। मार्केट की भी बात करें तो कोरोना को देखते हुए मार्केट भी डाउन हुई है, चाहे वह मांस की मंडी हो या फिर सब्जियों की दुकान। सब्जियों की दुकान पर जहां हाई रेट लोगों को परेशान कर रहे हैं, वहीं मांस मछली के रेट में काफ़ी कमी आ गई है। बहरहाल, कोरोना वायरस से बचाव और कोरोना वायरस को लेकर के शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर अनूप कुमार सिंह का क्या है कहना, आइए खुद सुनते हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने जो कहा वह भी हम आपको सुनाएंगे और उसके बाद कोरोना को लेकर के जो उन्होंने राय दी वह भी हम बताएंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर अनूप एक विद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कोरोना वायरस को लेकर कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। कोरोना वायरस के ऊपर एक बात कह रहा था, मैंने उसे यही कहा कि मैं आभारी हूँ कोरोना वायरस का। दुनिया भर में सारे देश, सारी जातियां, सारे धर्म मिलकर जो काम नहीं कर सके वो एक कोरोना वायरस ने कर दिया। अखबार उठा के देख लो आप, फेसबुक उठा के देख लो आप, व्हाट्सएप उठा के देख लो आप, कहीं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, कोई कहीं कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। सारे देशों की सीमाएं टूट गई हैं, पूरा देश मानवता बचाने के लिए लड़ रहा है, पूरा विश्व इंसानियत बचाने के लिए लड़ रहा है। मैं आभारी हूँ इस कोरोना वायरस का। हमें वो बनना है, शिक्षित होने का मतलब ये है, मानव बनो, शिक्षित होने का मतलब ये है इंसान बनो। अगर शिक्षित होने के बाद भी अगर आप किसी जाति धर्म और देश और विश्व से बंधे हुए हैं तो मेरे ख्याल से आप में और एक ह्यूमन सेपियंस, सेपियंस नाम के जो मनुष्य का एक वैज्ञानिक नाम है, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। शिक्षित होने का मतलब है इंसान बनो, शिक्षित होने का मतलब है हर दुखी व्यक्ति को प्यार करो। ये एक सामान्य सर्दी जुकाम बुखार है जिससे हर भारतीय, हम हर गांव के लोग साल में दो बार तीन बार होके गुजरते हैं। तो पहली बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि ये पता नहीं क्या है और पता नहीं क्या कर देगा। 125 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन में अभी तक सिर्फ दो एक्सपायरी हैं, और अगर ओवरऑल आप निमोनिया से पर होने वाली डेथ सोचें अगर आजमगढ़ में, तो रोज मेरे ख्याल से 10-15-20 मौतें निमोनिया से हो रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसको जितना हाइप किया हुआ है उतना उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मेन है भ्रम ना फैलाइए, अफवाहों से दूर रहिए और डरिए नहीं। जो एक हमारी एक पद्धतियां हैं, अगर हम सिर्फ उतने पर चलें, हिंदू धर्म की क्या पद्धति है, आप सुबह उठ करके टहलें, योगा प्राणायाम करें, नॉनवेज ना खाया करें, भोजन को सनातन भोजन के रूप में दाल चावल रोटी सब्जी के रूप में लें, भोजन में हरी सब्जियां और फलों का सेवन करें। अभिवादन, सबको पता है कि मोदी जी से लेकर ट्रंप जी तक आज की तारीख में नमस्ते ही कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपके हाथों में वायरस जाएंगे। अगर आप सिंपली चलिए, हाथ नहीं मिलाया आपने, लेकिन आपने जिस सरफेस को छुआ, अभी मैं मेज पर बैठा, मैं मेज पर ऐसे करके बैठा, अगर मुझे कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, मैं कोरोना की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी भी सामान्य फ्लू की बात कह रहा हूँ, जब मेरे बैठने के बाद अगर उस पर कोई व्यक्ति बैठेगा फिर से दोबारा ऐसे हाथ रख के, तो पूरी लाइवल सब संभावनाएं हैं कि उसको वो वायरल इन्फेक्शन होगा। तो प्रिफरेबली पब्लिक प्लेसेस में जहां तक हो सके चीजों को छुए ना। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।